फिल्म पठान की कामयाबी के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नफरती गैंग के सरगनाओं को सांप सूंघ गया है। इतना ही नहीं, गोली मारो सालों को नारा लगाने वाले केंद्रीय मंत्री के सुर भी पठान फिल्म की कामयाबी के बाद बदले हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जुबान बायकॉट कल्चर पर अब जाकर खुली है। उन्होंने फिल्म बायकॉट की कल्चर की निंदा की और कहा कि ऐसे समय में ऐसी घटनाएं माहौल को खराब कर रही हैं। उन्होंने कहा, हमारी फिल्में दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। ऐसे में जब फिल्मों की बायकॉट की बातें सामने आती हैं तो माहौल खराब होता है। फिल्म के बायकॉट को लेकर लगातार जारी है। इससे पहले आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, रणवीर और आलिया की ब्रह्मास्त्र को लेकर भी नफरती चिंटू ड्रामा करते रहे हैं, लेकिन इसके पहले अनुराग ठाकुर ने कभी कोई बयान नहीं दिया। फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज होने के बाद से ही बीजेपी के नेता मंत्री उल्टे पुल्टे बयान देते रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो प्रदेश में फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। हिंदुवादी संगठनों के गुंडे और बीजेपी से जुड़े नेता फिल्मों के बायकॉट की अपील करते रहे हैं। पठान फिल्म का रिलीज के बाद ही विरोध हुआ। कई शहरों में हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने फिल्म रिलीज का विरोध किया और पोस्टर फाड़े। पठान रिलीज के बाद जिस तरह से दर्शकों की प्रतिक्रिया और शाहरुख फैंस के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो बायकॉट गैंग के मुंह पर तमाचा है। शायद लोगों का रिएक्शन देख के ही अनुराग ठाकुर समेत भक्तों के सुर बदले हुए हैं।